सो हेलो एवरीवन, मैं उंसमन एंड आप सबको मेरी तरफ से हलर महादेव। तो चले बिना कोई टाइम वेस्ट करेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले एलविश यादव के बारे में। तो गाइज आप सबको पता होगा कि यार हमारे एलविश यादव भाई अभी कुछ दिन पहले बिग बॉस 6 OTT2 के अंदर गए हुए हैं एंड मतलब गए हुए थे एंड साथ में यार वहाँ पे मतलब बता रहे थे कि मेरी बहुत खतरनाक सी वेब सीरीज आने वाली है एंड जब से वो बिग बॉस से आए हैं यार उनकी कोई भी वेब सीरीज नहीं आई है एंड साथ में यार वो अपने व्लॉग चैनल पे कुछ बताए हैं कि उनकी वेब सीरीज कब आएगी और उसमें कितना पैसा लग चुका है। आप लोग देखो आज तुम्हारे भाई का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि बिग बॉस के बाद हमारी पहली वेब सीरीज की शूट है। मेन चैनल की शूट है गाइस, मेन चैनल है ना। इतने टाइम से व्लॉग ही व्लॉग निकाल रहे, सब पूछ रहे भाई दूसरे चैनल पे कब आएगी कब आएगी। भाई साहब शूट शुरू कर दिया और इस बार भाई बजट कितना ज्यादा लग रहा है। पैसा सुन के हम ही कांप गए। इस बार पैसा ठोक दिया तुम्हारे भाई ने तो देखो रिस्पॉन्स उसी हिसाब का देना। मेरे को पैसा कवर करने है भाई, ठीक है। एंटरटेनमेंट तो है ही, तुमसे तो क्या झूठ बोलना, पैसा भी तो इसी से कमाते हैं हम। बिल्कुल, पर ये है कि स्क्रिप्ट में, डायरेक्शन में, वीडियो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं इस बार, फिल्म सी शूट कर रहे हैं। सो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले यार इस एनिमल मूवी के बारे में। तो आपको पता होगा कि मूवी काफी हिट की है एंड साथ में ध्रुव राठी पे वीडियो बनाया दिस इज कैंसर एंड साथ में वो बोले भी की मूवी बहुत ज्यादा बेकार है एंड साथ में हमारे समाज को अनप्रोमोट कर रही है। काफी सारे सिंगर को पोक भी कर रहे हैं, तो वो क्या कुछ बोले आप लोग क्लिप में देखिए। यूट्यूब पर मुन्नू छपरी यूट्यूबर्स को फॉलो करता है जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। ये कहते हैं कि देखो लड़कियों में दिमाग नहीं होता, उनका काम बस घर पे काम करना होता है। इंस्टाग्राम पर मुन्नू एंड्रू टेट जैसे लोगों को फॉलो करता है जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और मिसोजिनी के सिंबल बने बैठे हैं। सिमिलर बातें वहीं से भी सुनता है। इसके अलावा जब मुन्नू गाने सुनता है तो गानों में भी यही औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन सुनने को मिलती है। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटका ले मुझे अल्कोहल से। हनी सिंह के गाने, कभी लिरिक्स पर ध्यान दिया है? मैं हूँ वुमेनाइजर, मुझसे अकेले में मत मिल। सिलिकॉन वाली लड़की को मैं पकड़ता नहीं, ब्राउन गर्ल से मेरा दिल भरता नहीं। मैं हूँ शेर, घास चरता नहीं। तू है जानता मैं हूँ शिकारी, तुझे खा जाऊंगा सारी की सारी। मुझे लिरिक्स बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा है। यूनिसेफ ने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें बताया कि कैसे मास मीडिया में औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन उनके खिलाफ वायलेंस का कारण बन जाती है। और इन सब चीजों के बाद जब मुन्नू सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देखने जाता है तो उसे एनिमल जैसी फिल्म देखने को मिलती है। एक ऐसी फिल्म जिसमें प्रोटैगनिस्ट अपनी पत्नी का हाथ मरोड़ देता है, कभी गला पकड़ लेता है, कभी उस पर बंदूक तान देता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसकी पत्नी ने भी तो उसको थप्पड़ मारा। लेकिन यही तो बात है कि आदमी औरत को या औरत आदमी को क्यों मारे, किसी भी साइड से हो रहे वायलेंस को क्यों ग्लोरीफाई किया जाए। क्योंकि संदीप वांगा के अनुसार प्यार प्यार नहीं होता जब तक आप अपने लवर को मार नहीं सकते। मजाक नहीं कर रहा मैं, संदीप वांगा ने एक्चुअली में ये चीज कही थी एक इंटरव्यू में सीरियसली। When you are deeply in love, if you don't have the liberty of slapping each other, then I don't see anything there. फिल्म में रणविजय इतने मास मर्डर करता है लेकिन उसकी पत्नी गीतांजलि कभी उसे छोड़ने का नहीं कहती। लेकिन जब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेता है तो वो रणविजय को कहती है कि उस लड़की को जाकर मार दे। पागल हो गया तू, इलाज करा ले अपना। रणविजय को फिल्म में एक बेटी का बाप दिखाया है लेकिन उसके बावजूद वो मेंस्ट्रुएशन के डिस्कम्फर्ट का मजाक उड़ाता है। अपनी वाइफ को कहता है कि ये मर्दों की दुनिया है। अपनी लवर को कहता है कि मुझसे मोहब्बत है तो मेरा जूता चाट कर दिखा दिए। फिल्म का हीरो कुछ ऐसा है जो इस सारी चीजें करता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, अपने आप को जैसे अल्फा मेल की तरह दिखाया जा रहा हो। मुन्नू की जिंदगी में पूरा माहौल ही ऐसा है, हर जगह रिग्रेसिव व्यूज, औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन, औरतों को गलत तरीके से ट्रीट किया जाना। और इसके बाद कोई कहता है कि एक फिल्म से क्या फर्क पड़ता है, एक फिल्म से फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा माहौल ही यहाँ पर बिगड़ा हुआ है और इस माहौल को बरकरार रखने का काम कर रही हैं ऐसी फिल्में। इसलिए मैं कहता हूँ कि एनिमल जैसी फिल्में समाज के लिए कैंसर। सो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं स्काउट के बारे में। तो गाइस आपको पता होगा यार स्काउट एक स्पोर्ट गेमर है एंड साथ में बहुत खतरनाक गेम खेलते हैं। तो रणवीर भाई यार पॉडकास्ट वीडियो में गए हैं एंड साथ में यहाँ पर रणवीर भाई इनसे कुछ यार ई स्पोर्ट्स के बारे में पूछते हैं एंड तो यार वहाँ पे स्काउट भाई कुछ इस टाइप से रिप्लाई देते हैं एंड थोड़ी इज्जत भी करते हैं। देखिए ये गवर्नमेंट सपोर्ट भी है बट अपनी गवर्नमेंट अभी बहुत सपोर्ट कर रही है, बट वो ये है कि उनके ऑब्वियसली उधर गेम जल्दी आया था तो गवर्नमेंट ने जल्दी सपोर्ट किया, हमारे इधर गेम लेट आया था गवर्नमेंट ने लेट सपोर्ट किया। हमारी गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है अभी तो, मतलब पहले ई-स्पोर्ट्स को ऐसे ई-स्पोर्ट्स नहीं मानते थे पहले, गेमर गेम टाइम पास कर रहा है। मतलब पहले हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते थे तो मैं एयरपोर्ट जब आता था तो उन लोग पूछते थे ना कि क्यों जा रहे हो भाई, मैं बोलता पबजी मोबाइल टूर्नामेंट है, वो पबजी वाला है गेम खेलने जा रहे हैं, मतलब ऐसा एक लुक डाउन करते थे कि अरे गेम खेल रहा है। अब वो नहीं है, ओ यू आर गेमर, ऐसा सीधा गेमर टर्म मिलता अब।
वो अच्छा था कि हाँ चलो हमें कंसीडर किया जा रहा है। सो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं राउंड 12 के न्यू वीडियो के बारे में जो कि आदि मानव नहीं आई है एंड 8 दिन पहले भाई उसने बहुत खतरनाक रिस्पांस दिया है। इसने उसने 8 दिन के अंदर 30 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज कर लिए एंड मेरी तरफ से यार राउंड 12 को मैंने कांग्रेचुलेशन। तो चलिए गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं रैंडम सेना के बारे में। तो अभी के टाइम पे यार इंस्टाग्राम का रैंडम सेना का पेज पूरा हैक हो चुका है एंड साथ में वो लिखे भी है सीम्स रैंडम सेना हैज ऑफर टू ऑफर मैनी आदिलियन। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं एसआरके के डंकी मूवी के बारे में। तो आपको पता होगा कि रिसेंट में भी न्यू मूवी आई है एंड साथ में काफी लोग इनको पोक भी कर रहे हैं डोंगे का नाम डंकी रख दिया है एंड साथ में एसआर के यार मतलब ट्विटर पर ट्वीट करके कुछ लिखते हैं कि हमने इसका नाम डंकी क्यों रखा है। तो चले गाइस मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं उन्होंने लिखा है। सब पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं डंकी का मतलब होता है दूर रहना। तो गाइस अगर आपके समझ आ गया हो तो यार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो चले गाइस अब हम लोग अगले अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस हम लोग बात करने वाले हैं भुवन भाम की यार ताजा खबर वाली यार न्यू वेब सीरीज के बारे में जिन्होंने यार अभी के टाइम पे अपने यार नाम 3 अवार्ड कर लिया है एंड पहला उनको आईटीए की साइड से कॉमेडी का अवार्ड मिला है एंड दूसरा उनको मिला है बेस्ट डायलॉग अवार्ड एंड तीसरा उनके एक्टर मधु को मिला है क्योंकि उन्होंने भी बहुत खतरनाक सी एक्टिंग करी है एंड आप लोग रोक के पढ़ सकते हो। एंड तो नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करने वाले हैं मनोज दे के बारे में। तो गाइस मनोज दे यार अपने इंस्टा स्टोरी पे एक बहुत फन इंस्टा मोमेंट शेयर कर रहे हैं एंड साथ में यार वो बस में कहीं ट्रैवल कर रहे थे और एक यार बस के अंदर उनकी वीडियो देख रही थी एंड साथ में यार वो नीचे लिखे भी है कि मैडम को पता ही नहीं कि पीछे वाली सीट पे उनके यार जिसकी वो वीडियो देख रहे हैं वही बैठा है एंड आप लोग एक बार देख ही सकते हो यार मतलब कितना फनी सीन है। तो बस गाइस आज के वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार आप लोग जरूर से लाइक कर देना एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से ऑन कर देना एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।